कुरुक्षेत्र पुलिस ने दो नशा तस्करों को पकड़कर उनके कब्जे से 17 किलो अफीम की बड़ी खेप बरामद की है। अब पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लेकर उनका सारा नेटवर्क खंगालेगी। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भूरिया ने कहा कि चालू वर्ष में अब तक 142 मामले दर्ज कर 50 किलो अफीम पकड़ी है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भूरिया ने विस्तार से मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, इस आधार पर जाल बिछाया गया व दो आरोपियों परमिंदर व हरमिंदर को काबू कर जब इनकी नियमानुसार तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से 17 किलो अफीम बरामद हुई, जो कि झारखंड से ट्रक में लेकर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कंसाइनमेंट पंजाब रोपड़ में किसी नशा तस्कर को देनी थी। पुलिस कप्तान ने कहा कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर सारी चेन खंगाली जा रही है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि लगातार नशे के विरुद्ध एक अभियान जो है कुरुक्षेत्र पुलिस का चल रहा है। काफ़ी संख्या में लगातार हम जो अपने सोर्सेज भी डेवलप कर रहे हैं और ANC जो एंटी नार्कोटिक सेल है कुरुक्षेत्र का, ये लगातार प्रयास करता है कि अधिक से अधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं और मुकदमे छोटी मोटी रिकवरी के ना हों, कमर्शियल क्वान्टिटी के हों और जो चेन है जो सप्लाई की उसको टारगेट किया जाए। तो इसी मुहिम में आज एक अच्छी कामयाबी ANC की जो टीम है, इंस्पेक्टर मनदीप सिंह और उसके साथ की टीम, इन्होंने 17 किलो अफीम को बरामद किया है और केस दर्ज किया है। इसमें दो व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम है परमिंदर सिंह और हरविंदर सिंह। परमिंदर सिंह ये रोपड़ का रहने वाला है और हरविंदर लुधियाना का रहने वाला है। और जहाँ ये जो अफीम है ये झारखंड से लेके आए थे और ट्रक भी इसमें बरामद किया गया है, शाहबाद के पास से इनको अरेस्ट किया गया है और आगे जो सप्लाई है पंजाब में जानी थी। ये रोपड़ का एक व्यक्ति है, उसने ये सारा स्टॉक मंगवा रखा था। उसी व्यक्ति के विरुद्ध पीछे भी थोड़े दिन पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें काफ़ी संख्या में पॉपी हस्क पकड़ी गई थी। तो इसकी कीमत कितनी बताई जा रही है? इसकी 17 किलो की कीमत करीब 42 लाख के आसपास इसकी कीमत है और अब तक की मैं बताऊँ आपको करीब 50 लाख के आसपास इस साल हम रिकवरी अफीम की कर चुके हैं, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास की आ रही है और 142 मुकदमे अभी तक हमने दर्ज किए हैं इस साल में। ड्राइवर क्लीनर है सर, ये दोनों गाड़ी में थे और जहाँ इनसे जो गाड़ी से बरामदगी हुई है, बाकी जो भी इसकी चेन है अभी उनके नाम डिस्क्लोज करना इस स्टेज पे ठीक नहीं है, उन सब के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सर आगे कोर्ट में पेश किया जाएगा? हाँ, इनको कोर्ट में पेश कर दिया, कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो आगे क्या क्या इनसे जो है हम और बरामदगी कर सकते हैं या कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, वो सभी के बारे में इसकी तफ्तीश की जाए।